हेलो दोस्तों, आज हम एग्जेम्पशन ऑन अंडर जीएसटी के पार्ट 4 की बात करेंगे और इसमें हम बहुत सारी और भी एग्जेम्पशंस के बारे में बात करेंगे जो कि सीबीईसी ने यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने मेंशन कर रखी है कि कौन कौन सी ऐसे एरियाज होंगे जहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसी के चरण में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो अगला पॉइंट आता है वो आता है सर्विस प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। अगर कोई सर्विस रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बीसीसीआई जो है वो क्रिकेट करवाती है, तो बीसीसीआई के अंडर में जो कई लोग उनको सर्विस देते हैं, जैसे कि एज अ प्लेयर, एज अ रेफरी, एज अ एम्पायर, एज अ कोच, ऐसे तमाम लोग जो सर्विस देते हैं रिकॉग्नाइज्ड बॉडी को, वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। उसमें वो कोई चार्ज नहीं करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी तरफ बात आती है इंडियन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी मींस जो यहां पे रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि ओलंपिक एसोसिएशन हो गया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स हो गया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड होती है, या नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हो गया, जैसे तमाम लोग जो कोई फेडरेशंस हैं, ये सारी चीज़ें जो रिकॉग्नाइज्ड हैं अंडर गवर्नमेंट, इन सबको हम एग्जेम्पशन देंगे कि अगर ये इनको कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। नेक्स्ट बात आती है स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्पोर्ट्स होता है तो उसके स्पॉन्सर्स दिए जाते हैं, जैसे कि कभी देखा होगा कि क्रिकेट के लिए सहारा देती थी, कभी ओपो देती थी। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो जो आईपीएल चल रहे हैं उसमें ड्रीम इलेवन ने अपनी स्पॉन्सरशिप दे रखी है। तो ऐसी सर्विसेज के केस में क्या होगा, तो ये बात बताई जाती है बाय अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और इज एफिलिएटेड फेडरेशन वेयर द पार्टिसिपेटिंग टीम्स और इंडिविजुअल रिप्रेजेंट्स एनी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोन और कंट्री बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर द डीफ पैरामिलिट्री कमिटी ऑफ इंडिया और स्पेशल ओलंपिक्स भारत, बाय द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चर और स्पोर्ट्स बोर्ड एज पार्ट ऑफ नेशनल गेम्स, बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और अंडर पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान स्कीम। इनमें से किसी भी इवेंट के लिए जो आपको नीचे दे रखी है, भैया मैं अल्टीमेटली मैं कहूँ तो किसी भी तरीके के स्पोर्ट इवेंट के लिए कोई भी अगर स्पॉन्सरशिप देगा तो वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा, उसमें कोई चार्ज नहीं होगा। सर्विसेज अगर कोई फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन के लिए दिया जाता है तो भी वो एग्जेम्प्ट होगा। कोई विदेशी पर्सन हमें कुछ गाइडेंस देता है, कुछ किसी मिशन के लिए हमारे साथ पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो एग्जेम्प्ट होगा। अभी आपने देखा होगा कि फीफा का जो मैच हुआ था वो अंडर 17 इंडिया में हुआ था, तो उसको भी गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा था कि उसमें भी कोई भी सर्विस दी जाएगी या उसमें से कोई सर्विस ली जाएगी वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा, उसमें किसी भी तरीके के टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जिसको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। यूजुअली आप कभी क्या करते होगे, कभी सर्कस देखने गए, कभी कोई ड्रामा देखने गए, कभी कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा था उसको देखने गए, किसी भी तरीके की कोई भी इवेंट के लिए आप जाते हो एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ दर्शक आप वहाँ देखने जाते हो, तब आपको टिकट खरीदनी पड़ती है। तो वो टिकट भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी, बशर्ते वो टिकट की जो प्राइस हो वो लेस देन और इक्वल टू 500 हो। अगर 500 रुपीज़ से ज़्यादा होगी तो ऐसी सिचुएशन पर यह एग्जेम्पशन नहीं लगेगा। अगर 500 से ज़्यादा होगी तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो उसकी टिकट की जो प्राइस है वो लेस देन 500 है तो वो फिर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। नेक्स्ट बात आती है कि अगर आपने इंपोर्ट की है सर्विस, अगर इंपोर्ट की है सर्विस और किसने इंपोर्ट की है, वो की है बाय गवर्नमेंट ने या तो किसी इंडिविजुअल पर्सन ने या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने, मतलब जो भी इन सब कोई भी सर्विसेज अगर हमने इंपोर्ट की है तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। बट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज OIDAR की कोई सर्विस है, कोई ऑनलाइन सर्विसेज हैं, तब उसके लिए आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी सर्विस अगर इंपोर्ट करता है, चाहे गवर्नमेंट इंपोर्ट करे, चाहे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट इंपोर्ट करे, या आप खुद भी पर्सनल पर्पज के लिए कोई चीज़ इंपोर्ट करते हो, कोई सर्विस इंपोर्ट करते हो, नॉट गुड, कोई सर्विस इंपोर्ट करते हो, कोई डॉक्टर आता है आपको सर्विस देता है, कोई इंजीनियर आता है आपको सर्विस देता है, तो ऐसी सभी सिचुएशन में एग्जेम्पशन आपको मिलेगी। बट हाँ, अगर कोई ऑनलाइन डाटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज जैसे कि फेसबुक से अगर हम कोई डाटा परचेज करते हैं या कुछ इस तरीके की कोई सर्विस लेते हैं तो वो फिर एग्जेम्प्ट नहीं होगी, उसके केस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग इंपोर्ट टू यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट बात आती है सर्विसेज ऑफ एन अनइनकॉर्पोरेट बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी टू इट्स ओन मेंबर। भाई अब क्या हुआ,
कि हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, हम एक क्लब बनाते हैं, उस क्लब के अंदर हम अपने मेंबर्स को बुलाते हैं। अब अगर वो मेंबर्स को हम सर्विस देंगे तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगी, उसमें भी कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। लेकिन इसमें एक फाइनेंशियल कंडीशन है, क्या है ज़रा ध्यान से देखना भाई। अगर ट्रेड यूनियन की सर्विस है तो एग्जेम्प्ट है, कोई भी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं तो वो एग्जेम्प्ट हो गए। लेकिन हाँ, सर्विसेज बाय हाउसिंग सोसाइटी टू इट्स मेंबर, जैसे आपने देखा होगा कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एक अपार्टमेंट बना था, उन सब लोगों ने मिलकर के अपनी एक सोसाइटी बना ली, और वहाँ पे अगर अप टू 7,500 पर मंथ तक का पर मेंबर कंट्रीब्यूशन करता है तो ही वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा रहता है तो फिर पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा जीएसटी पे। यानी कि एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है कि मान लो अगर 8,000 है तो केवल 500 पे लगेगा, 7,500 पे एग्जेम्प्ट होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर 7,500 तक की कंट्रीब्यूशन है, 7,500 रुपये तक की सर्विस है तो वो एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन 7,500 से अगर 1 रुपये भी ज़्यादा है तो फिर पूरी वैल्यू पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल होगा और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर बात आती है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इट्स मेंबर फॉर अ कंसिडरेशन अप टू 1,000 पर एनम पर मेंबर। अगर कोई सर्विस जो मैं आपको नीचे बता रहा हूँ इनमें से अगर 1,000 रुपये तक की सर्विस किसी एक मेंबर को मिली है तो भी वो एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन उससे ज़्यादा अगर होगी तो टैक्सेबल होगी। वो सर्विसेज कौन सी है, वो एग्रीकल्चर लेबर की सर्विस हो सकती है, वो वेलफेयर की सर्विस हो सकती है, वो किसी भी तरीके की सोशल एक्टिविटीज़ के लिए से रिलेटेड सर्विस हो सकती है। मैंने अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को 1,000 रुपये से ज़्यादा की सर्विस दी है तो भी वो टैक्सेबल होगी, लेकिन 1,000 रुपये तक की सर्विस है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा भाई। बट ऑब्वियसली चीज़ें सिंपल, गरीब तबके को अगर आपने कुछ मोटिवेट करने के लिए, उनको थोड़ा सा कुछ सिखाने के लिए, कुछ उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, क्या उनको कुछ सपोर्ट करने के लिए, किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी आपने की है उनके सपोर्ट के लिए, तो फिर वो एग्जेम्प्ट होगी, बशर्ते उसकी जो वैल्यू हो वो 1,000 रुपीज़ से ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट बात आती है, सर्विसेज बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनेंस सच एज ट्रांसपोर्ट, प्रोविजन फॉर फैसिलिटेशन फैसिलिटीज ऑफ बाथरूम, वॉशरूम्स, यूरिनल और टॉयलेट्स। आपने देखा होगा कि जगह जगह जब आप जाते होगे तो वहाँ पे अगर आपने रास्ते में देखा हो तो किसी कई तरह के वॉशरूम्स आपको मिलते हैं, इको फ्रेंडली वॉशरूम या कई तरह के होते हैं, वो सारी चीज़ें अगर होती हैं तो वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई स्लॉटरिंग हाउस है, कोई लाइव स्टॉक सेल करने वाला डिपार्टमेंट है तो ऐसी जगहों पर भी वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। जर्नलिस्ट को भी एग्जेम्पशन दे रखा है कि अगर कोई प्रिंट मीडिया है या कोई सर्विस प्रोवाइड करता है थ्रू जर्नलिस्ट एज अ न्यूज़, एज अ कलेक्टिंग ऑफ न्यूज़ और तरह तरह की सर्विसेज, वो सारी चीज़ें भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी, उनको भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट बात आती है इंश्योरेंस सर्विस। अब ये इंश्योरेंस सर्विस क्या है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे डिस्कस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।